और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीषण बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों का जायजा लेने असम पहुंचे हैं, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात वो करेंगे। और अपने दौरे से पहले ही बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में बाढ़ में डूबे मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा की थी। इससे पहले असम की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2,947 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि मांगी थी। असम के मुख्य सचिव वीके विपरसेनिया ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष बाढ़ के कारण हुए आर्थिक नुकसान की अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी है। वहीं केंद्र सरकार के एक अंतर मंत्रालयीय दल ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। अंतर मंत्रालय टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और टीम ने बिस्वतनाथ, लखीमपुर, माजुली, बारपेटा, काचर इन जिलों और मौके पर ही तत्काल स्थिति का मूल्यांकन किया। तो अंतर मंत्रालय टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इन तमाम जगहों पर जिसमें बारपेटा, काचर, हैलाकांडी और करीमजल जिलों का दौरा किया और मौके पर ही तत्काल स्थिति का मूल्यांकन किया गया। केंद्र सरकार की इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी शशांक शेखर ने किया।